लो बच्चों, क्वेश्चन नोट करो। एक बैटरी है 5 वोल्ट की, एक रेजिस्टेंस है 480 ओम की, एक मेरे पास वायर है ए बी। इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है बच्चों वो है 600 सेंटीमीटर। ये एक्सटर्नल सर्किट है, मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगाई है, एक गल्वेनोमीटर लगाया है और एक ये जॉकी लगाई है। क्वेश्चन है बच्चों, लिखो जल्दी क्वेश्चन लिखो, स्टेटमेंट। ये पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स हैं, पोटेंशियोमीटर न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ये हमारा लेक्चर कौन सा है? लेक्चर नंबर करंट इलेक्ट्रिसिटी का 18th है, 18th लेक्चर है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन लिखो, अ 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस, 20 ओम रेजिस्टेंस इज यूज्ड एज अ पोटेंशियोमीटर वायर। दिस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट अलोंग विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 480 ओम। इफ एन अननोन रेजिस्टेंस, अननोन ईएमएफ ई इज बैलेंस्ड एट 600 सेंटीमीटर ऑफ दिस वायर, कैलकुलेट फर्स्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, सेकेंड द वैल्यू ऑफ द अननोन ईएमएफ। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, और ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, 10 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 20 ओम रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर वायर की। ये जो बच्चों वायर है ए बी, इसकी टोटल लेंथ कितनी दी हुई है? हाँ जी बच्चों थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 मीटर। 10 मीटर मीटर को हम किस में चेंज कर सकते हैं? सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 मीटर आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। और इसकी रेजिस्टेंस जो वायर की, इस वायर की रेजिस्टेंस आर, आपको याद होगा वायर की रेजिस्टेंस को हम आर लिखते थे, दैट इज 20 ओम इज गिवन। दिस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। इस वायर को हमने 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, अलॉन्ग विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आपको याद है मैं किसके साथ डिनोट करता था? रियोस्टेट की रेजिस्टेंस के साथ डिनोट करता था, दैट इज गिवन 480 ओम। इफ एन अननोन ईएमएफ, ये ईएमएफ अननोन है जो हमने पता करना है, कितने पे बैलेंस हो रहा है बच्चे? 600 पे। तुम्हें पता है ये अननोन ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती थी बच्चों? ये अननोन ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती थी आपको पता है क्या?
E naught R upon R plus RH into X upon L. वेरी गुड बच्चे, ये अननोन ईएमएफ की वैल्यू होती थी E इज इक्वल टू शॉर्टकट में के इंटू एक्स, अगर आपको याद हो। ये जो अननोन ईएमएफ होता था बच्चे, कल का पोटेंशियोमीटर वाला आर्टिकल आप देख सकते हो, ये अननोन ईएमएफ, ये बैलेंसिंग लेंथ के वोल्टेज के बराबर था। वो ईएमएफ कितनी होती थी, के इंटू एक्स। वट इज के बच्चों, वट इज के, इट इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता था के, पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्या होता था, वी अपॉन एल। वी क्या होता था बच्चों, आई इंटू आर। आई क्या होता था बच्चों, आई क्या होता था, ईएमएफ ई नॉट, इसको बोलते थे बच्चों हम ईएमएफ ई नॉट अपॉन, यस बच्चों, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस वायर की रेजिस्टेंस आर अपॉन एल। देख लो बच्चों, यही चीज होती थी कि नहीं। अब मुझे के कैलकुलेट करना है, तो ईएमएफ ई नॉट कितना दिया हुआ बच्चों, 5 वोल्ट। आर कितना दिया हुआ, वायर की रेजिस्टेंस 20। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें कितनी दी है, 480। वायर की रेजिस्टेंस है 20। लेंथ ऑफ द वायर कितनी है हमारे पास, बताएगा कोई लेंथ ऑफ द वायर, 1000 सेंटीमीटर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, देन यू विल बी, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट इज इक्वल टू 2×10⁻⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर। बच्चों क्लियर हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहले हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता करने के लिए कह रहा था, फिर हमें क्या पता करने के लिए कह रहा है, ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू एक्स। यस बच्चों, ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू के इंटू एक्स। कितनी बैलेंसिंग लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ कितनी है बच्चों, वेरी गुड, बैलेंसिंग लेंथ है ये 2×10⁻⁴, बैलेंसिंग लेंथ है 600। ईएमएफ कम्स आउट टू बी 12.12 वोल्ट। दिस इज योर आंसर बच्चों। देखो आपको समझ आया, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक बार रीड कर सकते हो आप। इस पे खोल ले, समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन भी ध्यान देना है बच्चों, लिखो इनकी ना, बस स्टेटमेंट काफी बड़ी सी स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप इजीली प्रॉब्लम को कर सकते हो। बच्चों ये वायर है ए बी, एक वायर, यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दी, यहां पर मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, इसकी जो लेंथ है बैलेंसिंग लेंथ बच्चों वो एल है, ये मैंने रियोस्टेट लगाया है 10 ओम का, ये वोल्ट मीटर की बैटरी की वोल्टेज 6 वोल्ट, यहां पर की लगी हुई है बच्चों, ये वोल्ट मीटर की बैटरी है 2.4 वोल्ट। यस बच्चों, क्वेश्चन लिखो, द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ, सेंटीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस टेन ओम एंड एन एक्युमुलेटर ऑफ ईएमएफ सिक्स वोल्ट हैविंग
negligible internal resistance a source of 2.4 volt is balanced against length of the potentiometer wire. Find the length L. यस बच्चों करो इस क्वेश्चन को ट्राई. इसके अंदर देखो बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, द पोटेंशियोमीटर लेंथ वायर ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर. पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ उसको किससे डिनोट करते थे, ये पोटेंशियोमीटर की जो वायर है ए बी इसकी लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल एल से. इस वायर की रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल आर से. लेंथ कितनी है इसकी 200 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस कितनी है 20 ओम. इसके बाद क्या कह रहा है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस 10 ओम. आर एच कितनी दी हुई है हमें 10 ओम. एन एक्युमुलेटर ईएमएफ 6 वोल्ट और वोल्टेज कितनी है, इसको बोलते हैं ई नॉट, ये हमारी होती है ई नॉट, मैंने इसको डिनोट किया हुआ 6 वोल्ट. हैविंग नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स ऑफ 2.4 वोल्ट, इसकी वोल्टेज दी हुई है बच्चों. अब हमें इसकी वोल्टेज को क्या लिखते थे, ई 2.4 वोल्ट. पहले वाले केस में हमने ई पता करना था, वहां बैलेंसिंग लेंथ गिवन थी, यहां ई दिया हुआ है बैलेंसिंग लेंथ पता करनी है. उस क्वेश्चन के बिल्कुल उलट है ये. ठीक है बच्चों, अब तुम्हें पता है अगर मैंने ई पता ई दिया हुआ है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स होता है. अगर बच्चों मुझे एक्स निकालना है तो ई को मैं किसके साथ डिवाइड कर दूंगा, K के साथ, तो मेरे पास x आ जाएगा. अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, यस बच्चों मुझे क्या कैलकुलेट करना है, K पोटेंशियल ग्रेडियंट. हां जी बच्चों, K पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बताएगा कोई, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ऋतिका. यस बच्चे, ई नोट अपॉन पहले पहले आर एच प्लस आर, पहले टोटल फॉर्मूला. ई किसके इक्वल होता है, वी अपॉन एल के. वी किसके इक्वल होता है, आई इंटू आर के. आई किसके इक्वल होता है, ई नोट आर प्लस आर एच इंटू आर बाय एल. इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दो बच्चों, इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दो. K इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू कितनी है 6, R की वैल्यू कितनी है 20, आर एच की वैल्यू कितनी है 10, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 20, L की वैल्यू कितनी है 200. तो K कितना आ गया बच्चों इससे, बताएगा कोई K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट कम 2 × 10⁻²⁰ ये आएगी 1/50 वोल्ट पर सेंटीमीटर. देखो इतनी आ रही है, इसको पुट इन 1 कर दो, ई अपॉन के, ई की वैल्यू कितनी है 2.4, 50 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो 120 सेंटीमीटर एक्स आ गया बैलेंसिंग. दिस इज योर आंसर बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अगर आपको ये प्रॉब्लम भी समझ आ गई. इसको मैं रब कर रहा हूं.
write down next problem. A potentiometer wire is 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained. Across it. Two cells are connected in series. First, to support one another. And then in opposite direction. The balance point are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from the positive end of the wire. In the two cases, find the ratio of EMF. बच्चों कल मैंने आपको बताया था अगर दो सेल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो उनकी वोल्टेज क्या होती है व्हेन सपोर्ट ईच अदर बताओ जल्दी अगर दो सेल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो बच्चों हम वोल्टेज क्या लिखते हैं E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K इंटू बैलेंसिंग लेंथ पहले बैलेंसिंग लेंथ कितनी दी हुई है पहले बैलेंसिंग लेंथ कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर अब व्हेन अपोज ईच अदर अगर दो सेल एक दूसरे को अपोज करें तो वोल्टेज क्या लिखते थे कल मैंने आपको बताया था यानी नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है हाँ जी बच्चों E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL2 L2 कितना है 10 सेंटीमीटर दोनों को डिवाइड कर दो इन दोनों को सॉल्व कर लो क्रॉस सॉरी दोनों को डिवाइड ना करो दोनों को करो प्लस दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो प्लस करके देखना क्या आ रहा है हाँ जी दोनों को प्लस करो कितना आया ये कट गया ये 2E1 इज इक्वल टू 60K कितना आ गया E1 कितना आ गया 30K आ गया बच्चे है ना E1 आ गया 30K एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E2 E2 भी निकाल लोगे आप E2 आ जाएगा 20K अब हमें पूछिए रेशियो रेशियो कितनी आ जाएगी दोनों सेल की वोल्टेज की दोनों सेल की वोल्टेज की रेशियो कितनी आ जाएगी
E1 अपॉन E2 30 अपॉन 20 यानी 3:2 की EMF आ जाएगी। बताओ बच्चों क्लियर यहां तक सभी को इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसको रब कर दूं बच्चों मैं? हाँ जी यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। एक मीटर वायर ब्रिज का। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो। पिछली स्लाइड तो बच्ची अब रब हो गई, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना बच्चे। ओके सर। ठीक है ना, अब रब हो गई है। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ ईएमएफ, अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.20 वोल्ट give a balance point at 30 centimeter length of wire. This cell is now replaced by another cell of unknown EMF if the ratio of EMF of the two cells is 1.5 volt. Calculate the difference in the balancing length of the potentiometer wire in the two cases. Yes, बच्चों क्या कह रहा क्वेश्चन? हमें दिया हुआ है पहले सेल की वोल्टेज कितनी है, 1.20 gives a balance point. पहले सेल की बैलेंसिंग लेंथ जो दी है वो है 30 सेंटीमीटर। दिस सेल इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल अननोन ईएमएफ, दूसरे की ईएमएफ बच्चे हमने, दूसरे की ईएमएफ बच्चे हमने पता करनी है। ठीक है बच्चों, दूसरे की ईएमएफ हमने पता करनी है। द रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, अभी हमें ई1 अपॉन ई2 की रेशियो दी हुई है 1.5। क्लियर यहां तक सभी को समझ आ गया? ई1 अपॉन ई2 हमें दिया हुआ है 1.5। कैलकुलेट डिफरेंस इन बैलेंसिंग लेंथ, डिफरेंस इन बैलेंसिंग लेंथ पता करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, ई1 अपॉन ई2 L1 अपॉन L2, याद है आपको फॉर्मूला EMF ऑफ द टू सेल सेकंड यूज जो मैंने आपको कल करवाया था। इससे L2 कितना आ जाएगा, E1 अपॉन E2। यस बच्चों, L2 कितना आ जाएगा, अगर मैंने L2 की वैल्यू निकालनी है, E2 अपॉन E1 इंटू L1। L1 कितना दिया हुआ है हमें, 30। E2 अपॉन E1 उल्टा कर दो इसको, E2 अपॉन E1 कितना हो जाएगा, 1.5। तो ये कितना आ जाएगी, L2 कितनी आ जाएगी हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? अब बैलेंसिंग लेंथ में डिफरेंस पता करना है, L1 माइनस L2 में डिफरेंस पता करना है, तो वो कितना होगा बच्चों बैलेंसिंग लेंथ में डिफरेंस? यस, ये तो बस स्टेटमेंट ही टफ है, बाकी तो क्वेश्चन ईजी है। 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर का।
फिर हमारा अगला लेक्चर भी लग जाना है इसी पे टॉपिक पे। यस, मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आपने नोट कर लिया तो रब कर रहा हूं बच्चों, कर दूं रब। लो बच्चों लिखो, नेक्स्ट अ पोटेंशियोमीटर सर्किट, अ पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज बीन सेट अप फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल। द मेन बैटरी यूज्ड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर has an EMF of 2.0 volt and a negligible internal resistance. The potentiometer wire itself is 4 meter long. When the resistance are connected across a given cell has values of first infinity, second 9.5 ohm, the balancing lengths on the potentiometer wire are found to be 3 meter and 2.85 meter. Find the value of internal resistance of the cell. Cell की internal resistance पता करनी है। यस बच्चों, बनाओ क्या कह रहा क्वेश्चन में। अ पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज अ सेटअप ऑफ फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल। द मेन बैटरी यूज्ड पोटेंशियोमीटर वायर हैज एन ईएमएफ दिस वन। कहता पोटेंशियोमीटर वायर के साथ जो बैटरी लगी होती है ये वाली, उसकी ईएमएफ कितनी है? 2 वोल्ट। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, द पोटेंशियोमीटर वायर इटसेल्फ 4 मीटर लॉन्ग। वायर की लेंथ कितनी है बच्चे, बताओ भाई? 4 मीटर। यहां पर रियोस्टेट भी लगा होता था। व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस अ गिवन सेल, व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस अ गिवन सेल हैज अ वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी एंड 9.5। बच्चों समझो मेरी बात क्या कह रहा है। हमारे पास व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस अ गिवन सेल, एक सेल है बच्चे, एक सेल के साथ जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस पता करनी होती है, तुम्हें पता है क्या कनेक्ट करते हैं इसके साथ? कल मैंने बताया था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते होते हैं। एक क्या कनेक्ट करते होते हैं हम, एक यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, मैंने आपको करवाया था, आप देख सकते हो
कॉपी में, यहां पर चौकी। अब बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? बताएगा कोई इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? R इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू माइनस वन इंटू कैपिटल R, यही होता था फॉर्मूला? यस बच्चों, यही होता था फॉर्मूला। इसके अंदर दो केस दिए हुए हैं। ये पहला केस जब R इन्फिनिटी, जब हम इसको नहीं मानते थे, तो तुम्हें पता है बैलेंसिंग लेंथ करके हमारे पास V इज इक्वल टू क्या होता था? के एल वन, E इज इक्वल टू के एल वन होता था। जब हम ये मान लेते थे तो V इज इक्वल टू के एल टू होता था। E और V की वैल्यू पुट करने के बाद ये चीज आ जाती थी। आपको इस पार्ट के करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको डायरेक्ट ये करने के बाद ये फॉर्मूला डिराइव करवाया था। ये डिराइव करने के बाद मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था ये। तो बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? बैलेंसिंग लेंथ बताओ मुझे, L1 कितना है? यस बच्चों, बैलेंसिंग लेंथ L1 कितनी दी हुई है? 3 मीटर। L2 बैलेंसिंग लेंथ कितनी दी हुई है? 2.85 माइनस 1। और रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 9.5। तो ये 0.5 ओम आ जाएगी। ये डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला कल समझा दिया था। पहले इसकी रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी मानते थे तो E इज इक्वल टू के एल वन आता था। फिर इसकी रेजिस्टेंस जो 9.5 दी है उससे V इज इक्वल टू के एल टू आ जाता था। यहाँ E अपॉन V था, E अपॉन V की जगह के एल वन अपॉन के एल टू लिखते थे हम। यस बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहां तक? हाँ जी बच्चों, बोल नहीं रहे तुम लोग? नो सर। ओके बच्चों, इसको मैं रब कर रहा हूं। और अगले लेक्चर में बच्चों, अभी हमारा टॉपिक पढ़ा है, अभी हमारे टॉपिक खत्म नहीं हुए। हमारे टॉपिक जो पढ़े हैं वो मैं आपको बता दूं। अभी मेरा पावर टॉपिक पढ़ा है, अभी वोल्ट मीटर पढ़ा है, और अभी एम मीटर पड़ा है। तीन टॉपिक अगले लेक्चर में पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तीन टॉपिक करेंगे।